जहां सो भी सके ऐसा एरिया देखकर वृक्ष के ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ गए। घंटा गया, दो घंटा गया, तीन घंटा गया, चार घंटा गया। मन कैसा है? बंदर जैसा है। आपने कर दिया तो कर दिया, सोचने लगे कि मंदिर में 1.25 लाख देना है। अच्छा विचार, और विचार भी कैसा आता है पता है आपको? अपनी अपनी औकात के हिसाब से ही सबको विचार आते हैं। आपको कभी सपना नहीं आएगा कि आप व्यासपीठ पे बड़ी कथा कर रहे हैं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपका विषय नहीं है। और मुझे कभी ये विचार नहीं आएगा कि मैं सैंडविच शॉप चला रहा हूँ, वैसा वैसा कर रहा हूँ, मैं मॉडल के ऊपर कार घिसवा रहा हूँ, मुझे नहीं आएगा। जो जिसका कार्य होता है, फिर उस विचार 1.25 लाख का विचार है, भगवान ने दिया कर दो, कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मन में आई चीज बुद्धि को सौंपी कि चल तू उसके ऊपर काम कर ले, फिर बाद में मुझे बताना। तो बोले अभी रहने दे, रिसेशन आने वाला है, 50 रुपया हो जाए, क्या करेगा? 50-50। फिर बोले आज नहीं कल सोचता हूं। फिर कल सोचेगा तो बोले 50 कुछ ज्यादा हो जाए, 25 से हो जाएगा। तो वहां मंदिर में तो बहुत देने वाले, मैं नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सब लोग ऐसा मानते। एक राजा ने कहा अपने दरबार को कि हमारी प्रजा बहुत अच्छी है, दाखला तरीके आप लोग वेरी सिंसियर ड्राइवर हैं, बहुत ही बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, डबल पट्टा ये लोग होता है तो क्रॉस भी नहीं करते, सिग्नल को तोड़ते नहीं है, हरी बत्ती पे रुक चलते हैं, लाल बत्ती पे रुकते हैं, और हम लोग आपके हिसाब से ऐसा नहीं करते हैं भारत वाले, तो आप कैसे हैं? वेल कल्चर्ड है, बहुत अच्छे हैं, क्या अर्थ क्या करना चाहिए? आप भयभीत हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कोई देखता है साहब? यू आर इन अंडर सर्वेलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, आपके घर में बिल आ जाएगा। आप तब या स्पीड से भागे थे फोटो के साथ, तो यू हैव टू फॉलो। तो ये बंदा ने सोचा कि कैसे भी पंडित जी को दिखाना है एक दिन भूखा रह के कि भगवान ने मुझे नहीं जीवन। थोड़ा समय बीत गया, 10 बज गए, तो वहां से एक सेठ निकले अपना पूरा तामझाम के साथ। तो सेठ ने सोचा 11:30 बज रहे कि चलो थोड़ा खाना पका लो, इधर खाना खा के फिर आगे जाएंगे। जिस वृक्ष के ऊपर वो बंदा बैठा था उसी वृक्ष के नीचे यहां बंदा है, यहां चूल्हा जलाया, और सेठ का खाना तो बड़ा मजेदार होता है, उसको अंदर मुंह में पानी आने लगा, ये नीचे जाके खा लू। जब आपकी खाने की इच्छा नहीं होती तब सामने बहुत से भोग आते हैं, और जब नहीं खाना होता है तब आता है, और खाना होता है तब इस सृष्टि का नियम है। मगर वो तो बैठा रहा, 12 बज गए, सुंदर थाली परोसी गई, सेठ भोजन के लिए बैठ रहे थे, वैसे दूर से आवाज आई घोड़े के पैरों की, तबड़ाक 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 तबड़ाक, और लोग जोर जोर से बोल रहे भागो भागो, डाकू आए, लुटेरे आए। अभी सेठ के पास बहुत सारी संपत्ति थी, तो सेठ ने सोचा कि स्थान को छोड़ के भाग जाओ, खाना तो बाद में हो जाएगा। तो पका हुआ भोजन, परोसी हुई थाली छोड़कर सेठ लोग अपना सामान लेके भाग गए, कीमती सामान जो था वो लेके। वो डाकू लोग वहां आ गए तो उन्होंने देखा कि बहुत बढ़िया, आज ठाकुर जी ने बड़ी कृपा कर दी। मगर एक वयोवृद्ध डाकू था, वो बोला कि हमारे साथ चीटिंग हो सकता है, कोई हमें मार सकता है, अनजाने के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए।
बात भी सही है, मगर बहुत बढ़िया है खाना है, सबने कहा। तो बोले किसी टेस्टर को पकड़ के लाओ, पहले किसी और को खिलाओ, फिर बाद में हम खाएंगे। यदि जहर होगा तो पता चल जाएगा। उनमें से इतने की पत्ता गिरा नीचे, यहां से नीचे गिरा, तो सब लोग का दृष्टि ऊपर गया। तो एक भाई बैठा हुआ तो बोले नीचे आओ, तुझे खाना है। नीचे आओ मगर खाओगा तो नहीं। तो डाकू लोग को थोड़ा शंका दृढ़ हुई कि कुछ दाल में पत्थर मारे गए, उसको जबरदस्ती नीचे उतारा गया। तो बोले आपको ये खाना है, तो मैं आज नहीं खाने वाला हूं। बहुत समझाया मगर नहीं समझा। तब डाकू ने अपना हैंटर निकाला, लाकड़ी निकाली, लकड़ी निकाली और जोर जोर से मार मार के सभी चीज उसको खिलाई। जितनी भी सामग्री थी सब चीज खिलाई। फिर बाद में तो पता कैसे चलेगा इसमें जहर है कि नहीं, तो उसको पकाओ। तो कि तू अभी दौड़ता दौड़ता भागता हुआ अपने गांव में चला जा, नहीं तो तुझे मैं शूट कर दूंगा। अब वो बंदा भाग रहा है, यहां कथा चल रही, सीधा कथा पंडाल में आया और महाराज जी के पैर चुके, बोले कि आपने कहा था कि भगवान सबको खिलाता है, मगर आप ये कहना भूल गए कि आप न खाओ तो भगवान मार मार के खिलाते हैं। यहां हठी शब्द का अर्थ कुछ इस तरह कि विभीषण ने कुछ नहीं किया, मगर जबरदस्ती से बाबा हनुमान जी उसके द्वार पर पहुंच गए। तो तुम मोहू दरसु हठी बिना, हनुमान जी महाराज ने अपना मुख खोला। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ए विभीषण जी महाराज, प्रभु का लक्षण है कि सदा सर्वदा अपने सेवक के ऊपर अपार प्रेम करते। अब समझ नहीं पाते हैं तो मैं अपना उदाहरण दे दूं। हनुमान जी महाराज अपने मूल स्वरूप में आ गए, ब्राह्मण का रूप मिटा दिया और मानव के रूप में आ गए। कहो कवन में परम कुलीना, हे विषण में कुलीन नहीं हूं, मैं तो बंदर हूं, वानर हूं। कपि चंचल सब ही विधि, जन्म जात कपि हूं, चंचल हूं, कोई विधि विधान को मैं फॉलो नहीं करता हूं, किसी भी विधि और विधान का मैं पालन नहीं करता हूं। और हे विभीषण जी महाराज, सुबह किसी ने यदि बंदर का मुख देख लिया तो उसको पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है, उसको अपशगन होता है, उसको खाना नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे विभीषण, प्रभु राम तो अनन्य है, मेरे जैसे बंदर के ऊपर भी कृपा करते हैं तो आप तो अद्भुत आचार्य तुमसे देखते हैं। असमे अधम सखा सुन, मोह पर रघुबीर, किन्हि कृपा सुमिर गुन, भरे बिलोचननी, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, रहित काहे न होई दुखारी, एही विधि कहत राम गुन ग्राम, पावा अनिर वाक्य विश्राम, उनि सब कथा दिधि, जेहि विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहाँ सुन बाता, देखी तउ जानकी माता, भगति विभीषण सकल सुनाई,
चले पवन सुत पीला कराई चारि सोई रूप गए पुनितावा तन अशोक सीता जहावा देखी मनई मन चिन्ह प्रणाम देखी दीति जात दिशिताम एक तन शीष जटा एक जपति रतय रघुपति गुण देई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अभिर मंगल भवन अमंगल हारी जपत निरंतर शंभु। हम बंदर है, हमारा कोई मुख देख ले तो उसको पूरा दिन भोजन नहीं मिले, ऐसे अमंगल जाति के हम वानर, और मेरे ऊपर प्रभु ने अपरंपार कृपा की। असमे अधम सखा सुन, अधम में अधम पशु और पशु में भी बंदर अधम है, ऐसे अधम मगर रघुवीर बहुत दयालु है, किन्हीं कृपा सुने प्रभु राम ने मेरे पर कृपा की, ऐसा याद करते ही हनुमान जी रोने लगे कि प्रभु तेरी लीला प्रभु। और हमको प्रभु की कृपा याद आती है तो सब हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि किन्हीं कृपा सुबिन गुण भरे विलोचन की। जब कृपा की अनुभूति होती है तो हम रोने के सिवा और क्या कर सकते हैं। अनेक जगह पर ईश्वर हमको बचा लेता है, रोड पे रास्ते पे जाते आते कहीं पे भी सदा सर्वदा हमारे पर कृपा करते हैं। उस कृपा की कृतज्ञता के लिए, कृतज्ञता के लिए हमें भगवान से थैंक्स कहने का एक माध्यम है प्रभु के सामने दो आंसू बहा लो। हनुमान जी महाराज बड़े विलोचन में, उनकी आंखों में अश्रु आ गए। जानत हूं अस स्वामी विसारी हिरहित काहे न होही दुखारी। ऐसे स्वामी को जानत हूं अस स्वामी विसारी, ऐसे प्रभु राम को जो बंदर के ऊपर भी कृपा करते हैं अपरम पार कृपा करते हैं, ऐसे स्वामी को विसारी अर्थात विसर कर उसको भूल कर जो अन्य जगह पर घूमता है, जानत हूं अस स्वामी बिसारी, ऐसे स्वामी को छोड़कर फिर हिते काहे न होई दुखारी। हनुमान जी कहते हैं कि राम जैसे स्वामी को छोड़कर अत्र तत्र घूमता है वो क्यों दुखी नहीं होगा, फिर हिते काहे न होई दुखारी। स्वामी को भूलकर जो व्यक्ति अत्र तत्र घूमता फिरता रहता है वो सदा सर्वदा दुखी रहता है। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्राम। अनिर्वाच्य सुख की प्राप्ति दोनों ने की। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, विभीषण सब कथा सुनाई। जहि विधि जनक सता धारे, जनक की सुता यानी कि भगवती राज राजेश्वरी माँ अम्बा सीता कैसे रहती है वो सब बताया। तब हनुमंत कहाँ सोनु भ्राता देखी चहु जान की माता। अब बाप को बंद कर विभीषण, अभी मुझे जल्दी से सीता मैया का दर्शन कर। मंदिर मंदिर के घूम आया मगर कहीं पे भी सीता नहीं मिली। मगर यहां विभीषण महाराज भी मुझे लगता है कि भूल कर गए, उसको साथ में आना। यदि विभीषण हनुमान जी के साथ चल पड़ता तो उनको रावण से प्रताड़ित नहीं होना पड़ता, मगर वो स्वीकार भी करते हैं कि तामसतन कछु साधन नहीं सुझा। और हनुमान जी को सभी युक्ति बताई कि आप ऐसे ऐसे जाइए। जुगति विभीषण सकल सुनाई
चले उपवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गए उपनिता। छोटे बानर का रूप लेखक, छोटा सा वर्णन। वन अशोक सितारा जहां वा, अशोक वाटिका में जहां पर सीता अंबा विद्यमान थी, वहां छोटे बानर का रूप लेकर हनुमान जी महाराज गए। यहां आके देखा तो हनुमान जी महाराज की चर्म चक्षु खुल गई। आह, देखी मन ही मन किन प्रणाम। किसी व्यक्ति को आप देखते हो अंदर से आपको आदर प्रकट होता है, ऐसे आप प्रणाम कर लेते। भगवती सीता को देखा तो हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम कर लिया। हे मां, सुख आप नारू छे शरणु एक तारू, हे मां दुर्गा दयाली मंग।